ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुरहानपुर जिले से 348 तीर्थ यात्रियों को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पुष्प वर्षा कर रवाना किया। इस मौके पर सांसद पाटिल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वृद्धजनों के लिए श्रवण कुमार की तरह सेवा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से यह योजना शुरू कर बुजुर्गों की सेवा शुरू कर दी है। उन्हीं के आशीर्वाद से प्रदेश आगे और उन्नति करेगा। बुरहानपुर जिले से रामेश्वरम के तीर्थ दर्शन करने के लिए यहाँ से सब यात्री धर्म को मानने वाले सब लोग जा रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुनः ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू करके हमारे हजारों हजार वृद्धजनों को जो सम्मानित करके उनकी जो इच्छाओं को पूरा करने का काम किया है, आप बधाई के पात्र हैं और ऐसा ही ये कारवा आगे भी चलता रहे। इसके लिए मैंने आज सभी धर्मालुओं से यही आग्रह किया कि आप जब भगवान के पास में प्रार्थना करेंगे तो हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ हमारे सभी जनपदी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस तरह के निरंतर ये यात्रा चलती रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।